नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों भाई आज हम फिर से हैं सुखतवा ब्रिज। तो देख सकते हैं भाई सुखतवा ब्रिज का क्लीनिंग हो गया चालू, और ये साइड देख सकते हैं आप WM हमारा हो चुका है कंप्लीट, और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ DBM ही DBM बाकी है बचा ये साइड में। तो ये देखिए ये DBM की तैयारियां हो रही है भाई, अभी DBM हो जाएगा आज। तो भाई 4 तारीख है, कल दशहरा है, कल तो हमारा DBM यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वो इसलिए क्योंकि भाई दशहरे वाले दिन ना तो लेबर रहती है, और दूसरी बात है हर बंदा छुट्टी पे रहेगा दशहरे के दिन। तो कल तो नहीं भाई, परसों हमारा DBM होएगा यहाँ पे 6 तारीख को। तो हो सकता है भाई ये 6 तारीख अगर बारिश पड़ गई भाई तो कुछ नहीं बोल सकते। 6 तारीख को अगर बारिश नहीं पड़ी तो DBM पक्का हो जाएगा, और 6 तारीख को ट्रैफिक चालू हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है भाई। जितना भी अभी तक खेल बिगाड़ा है सिर्फ बारिश की वजह से थोड़ा खत्म हुआ है, पर ये हाँ जरूर है जिसकी वजह से हमारा काम अगर डिले हुआ वो बारिश के कारण ही हुआ है। तो ये देख सकते हैं इस साइड WM चालू है हमारा, रोलिंग साथ के साथ चालू है, और डी शटरिंग भाई हो रही है सुखतवा ब्रिज जो हमारा जो स्लैब हुआ देखिए उसकी डी शटरिंग चालू है भाई। इधर से मैं दिखाता हूँ आपको, तो देखिए भाई ये जुगाड़ बना रखा है वेल्डिंग करके रोड का। तो देखिए झूला टाइप तो क्या नीचे प्लाई है जो दोस्तों नीचे गिरा दी जाती है, और जो लोहे का जितना भी सामान हमारा लगा था एंगल लगे थे तो उसको ये रस्सी के सहारे ऊपर खींच लेते हैं, क्योंकि अगर लोहे का सामान नीचे फेंकेगा तो भाई नीचे रह जाएगा पानी में। प्लाई है वो तैर के कोसबे की तरफ चली जाती है और वहाँ पे उसको पकड़ लिया जाता है, जिससे अपना मटेरियल पूरा डिशटरिंग हो रहा है सबका भरी। एक स्लैब का तो हो गया इस साइड का, तो ये देख सकते हैं आप, बाकी एक का ही बचा है अभी लास्ट वाली का और फाइनल वाली का। अभी आपको आगे दिखाता हूँ थोड़ा, कोई देखिए अभी GSB तो कंप्लीट होने को आया इधर का, आगे देखिए आप डल रहा है साथ के साथ ओकलैंड से हवारी कर रहे हैं भाई ये बस। दोस्तों GSB हमारा उधर तक ही होगा, ये जहाँ तक अपना सबग्रेड टॉप हमें मिल रहा है, उसके आगे हम डाइवर्शन मैच करेंगे, उसमें हम नीचे ओल्ड वाला DBM डालेंगे। क्रैश बैरियर देखिए आप देख सकते हैं लग चुका है ये साइड का, और कंपैक्शन लगातार चालू है भाई ये देखिए। तो क्रैश बैरियर जो कोसबे की तरफ का भाई ये लग चुका है, ये अपना कोसबे है, तो ये क्रैश बैरियर जहाँ तक अपना सबग्रेड दोस्तों यहीं तक मिल रहा है। अब ये देख सकते हैं आप ये जहाँ तक अभी GSB डाल दिया गया है, उसके आगे है ये 20 मीटर और सॉरी यहाँ तक अपना मैच हो रहा है ये जो सबग्रेड टॉप है। उसके बाद तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, वो जो सुखतवा बस स्टैंड है वहाँ जाके मैच होगा ये पूरा, यहाँ से लेवल है जो हाइट चली जाएगी काफ़ी नीचे। आप देख सकते हैं जो पहले वाला रोड है कितना डाउन रह गया है, अभी यहाँ पे हमने WM स्टोक कर लिया है, क्योंकि अगर ये GSB कंप्लीट होने के बाद तुरंत हम WM आज नाइट में ही यहाँ पे डाल दिया जाएगा और पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रोग्राम तो दोस्तों कल था DBM का, लेकिन दशहरा होने की वजह एक दिन डिले हो गया है इसके, क्योंकि दशहरे वाले दिन आपको पता है अगर बेशक हम कितने भी अवेलेबल रहें जब तक लेबर नहीं आएगी काम नहीं हो पाएगा। ये देखिए ओल्ड वाला DBM है जो हमने उखाड़ रखा था पहले, वो डाल रहे हैं सिर्फ क्यों डाइवर्शन मैच करने के लिए सिर्फ, क्योंकि इसमें भाई GSB WM नहीं डाल सकते डाइवर्शन के लिए, यहाँ इसमें डाल के बढ़िया ही अच्छे से बढ़िया बना दिया जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो WM आप देख सकते हैं हमारा स्टोक हो चुका है यहाँ पे भाई, तो सुखतवा ब्रिज भाई फाइनल स्टेज चल रही है अभी। ये भाई आपको भी पता है अभी वादा तो हमने आपसे 1 तारीख का किया था, अभी 1 तारीख को सुखतवा ब्रिज चालू हो जाएगा, पर प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों बीच बीच में बारिश होती रही जिसकी वजह से अपना जो मिट्टी का मुरम का काम है वो डिले हो गया। एक दिन बारिश पड़ती थी और 3 दिन काम नहीं चलता था, क्योंकि कीचड़ पूरा मिट्टी कीचड़ बन जाती थी, अगर गाड़ी अंदर घुसा तो पूरी गाड़ी अंदर दब जाती थी, तो उसके चलते अपना काम नहीं हो पाया। अभी देख सकते हैं आप पूजन चल रहा है भाई, आज नवरात्र लास्ट डे और कल दशहरा है, इस साइड में पंडाल लगे हुए हैं, माता की आरतियां भी चलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये भाई सुखतवा ब्रिज जो अभी बहुत दिनों से हम सबको इंतजार था इसका, तो कब ये चालू होगा कब ये चालू होगा, बहुत भाई बहुत गाड़ियों वाले आके वहां उस साइड में रुके हैं आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो, लेकिन अभी हम उनको क्या समझाएं भाई, क्या बोल सकते हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकते। प्रॉब्लम आपको भी पता है, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो सके सुखतवा ब्रिज रेडी हो जाए, तो आवाजाही जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन है वो चालू हो जाए ताकि जो हर कोई किसी को राहत मिले इस काम से, पर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, क्योंकि बारिश कब पड़ जाए किसी का बहुत पता नहीं है। और कल दोस्तों ये बात और मेंशन कर दूँ आपको, कल बारिश दिखाई गई है, कल बारिश पड़ गई तो हो सकता है एक दिन एयर डिले हो जाए, क्योंकि
बारिश में DVM करना बड़ा मुश्किल है। तो बने रहिए वीडियो में भाई। ये हमारे हरीश रेड्डी जो हमारे कंपनी के इंचार्ज है, जो मैकेनिकल के इंचार्ज है, पूरा काम यही देखते हैं भाई। और ये स्टोर कीपर है हमारे शुभम तिवारी। भाई ये है अपना पीपल का पेड़। ये भाई को मैंने नीचे भेजा था भाई, इसको थोड़ा खरोच के देखना है, अगर हरा है ना तो मान के चलिए सर्वाइव करना चालू हो गया भाई। तो टाने तो पहले ही टूटी हुई थी जिस दिन हमने लगाया था ये, उस दिन टाने टूट गए थे इसके। ये तो भाई पत्ते तो चल अभी सर्वाइव करने में टाइम जाएगा। अभी आपको पता है जब एक बार उखाड़ के दूसरी जगह लगाएंगे तो इतना जल्दी सर्वाइव नहीं होता है, इतना जल्दी जड़ नहीं पकड़ता है। पर लगाया था, बारिश तो आपको पता है कंटिन्यू चलती रही, और सेम तो इसको भाई है ही है, ज़्यादा दूर नहीं है पानी यहाँ से, तो सेम तो ऑटोमेटिकली खींचता रहेगा ये पानी। वैसे बारिश भी होती रही है भाई लगातार, जब से ये लगा था एक दो दिन छोड़ के बारिश होती रही। बाकी हमारे बंदे यहाँ पे जब क्यूरिंग करते थे वो भी पानी डालते थे। तो ये भाई पीपल का पेड़ है, जो लोग बहुत भाई मेरे कमेंट कर रहे थे भाई पीपल का पेड़ का बताइए क्या हुआ, सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भाई अभी तक तो बढ़िया है। नीचे भाई मेरा भाई गया था दोस्त एक, उसको बोला थोड़ा खरोद के देखना इसको क्या हरा है कि सूख गया, पर नहीं बोलता हरा है अभी। तो लगता है अभी जम जाएगा, ये हो जाएगा, इसका जड़ पकड़ना शुरू कर दिया है। तो आई होप कि ये कामयाब हो जाए भाई। ये रहा भाई सुप्तवा ब्रिज, एक मिशन है भाई, ये मिशन ही बन गया है कंपनी के लिए। क्लीनिंग आप देख सकते हैं ऊपर पूरा चालू हो चुका है भाई ऊपर का, क्योंकि इस पर अपने को BC करना है तो क्लीनिंग तो पहले करना ही पड़ेगा अपने, पूरा धूल मिट्टी पूरा कचरा जो साफ करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही इस पर हम BC कर सकते हैं। तो GSB यहाँ से तो कम्प्लीट हो चुका है, रोलिंग हो चुका है, आगे थोड़ा बचा है, उसके आगे तो डाइवर्शन है भाई। तो भाई आज मान के चलिए अपना GSB तो कम्प्लीट हो ही जाएगा, और रात में कोशिश करेंगे अपन WM कम्प्लीट करने की इसकी। भाई हम तो डे नाइट में लगे हुए हैं भाई, हम एक भी घंटा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे हमारा साफ आ जाता है और रात भर चलता है भाई, 24 घंटे मतलब चालू ही है, बंद नाम की कोई चीज़ नहीं। सिर्फ सुबह 6:30 से 7:30 तक एक घंटा बंद रहता है, और शाम को 1 घंटा बंद रहता है, तो मशीनरी रेस्ट के लिए रहता है। बाकी तो अपना कंटिन्यू सुप्तवा ब्रिज चालू है, हमारी कंपनी पूरी जद्दोजहद कर रही है इसको जितना जल्दी हो सके रेडी करने। तो भाई सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है भाई, जितना जल्दी हो सके इसको चालू करना है हमें, NHAI की तरफ से और कलेक्टर साहब की तरफ से। तो ये देखिए भाई WM के लिए रोड लगनी शुरू हो चुकी है, ये भाई इससे लेबल मारेंगे, उसके बाद इसका WM आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो WM तो मैंने आपको दिखाई दिया, हमें अभी कहीं दूर से नहीं लाना है, साथ में नीचे स्टॉक कर लिया गया है जितना गाड़ी इधर लगेगा। वो साइड तो आप देख सकते हैं जो टारसी साइड है, वो साइड तो कंप्लीट हो चुका है पूरा, WM GSB पूरा कंप्लीट है, रोलिंग कंपैक्शन वाटरिंग करके सब कंप्लीट, फिनिशिंग मार दिया गया वहाँ पे। सिर्फ अभी ये साइड ही बचा है जो अपना बैतूल साइड है, तो ये भी बहुत जल्दी भाई कंप्लीट हो जाएगा। अभी अंधेरा होने लगा है तो वीडियो करेंगे हम अभी क्लोज। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। कैसी लगी आपको ये वीडियो दोस्तों, वीडियो में जरूर बताएं दोस्तों। और सुप्तवा ब्रिज का ये अपडेट है, लेखा जोखा है जो मैं आपको आज बताया भाई, और कल तो नहीं भाई अभी DVM का एक वीडियो डालूंगा, उसके बाद यहाँ सुप्तवा का हो जाएगा पूरा, एक अपना जो RHS है पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ LHS है। वो तो भाई आप मान के चलिए जब कहीं पानी ये डाउन होगा, जैसे अभी पहले सूखा था जब ट्रांसफार्मर गिरा था अप्रैल महीने में 10 तारीख को, तो ऐसा सूखेगा तभी उसके बाद हम सर्वाइव का मतलब जो भी यहाँ पे काम कर पाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे हार्ड रॉक ही है नदी में, लूज नहीं है, तो उसके लिए ब्रेकिंग व्रुकिंग जैसा इसके लिए किया है। ये तो हमने ब्लास्ट करके सीधा ही दोस्तों नीचे ब्लास्टिंग लिया था, इसलिए जल्दी होगा थोड़ा, ब्रेकिंग से इतना जल्दी नहीं होता है। तो लीजिए भाई WM का गाड़ी भी आना होगा स्टार्ट देखिए, जहाँ तक अपना GSB हो चुका है और वहाँ अभी यहाँ से होगा WM, ये रोड लग चुकी है यहाँ पे, अभी WM स्टार्ट कर देंगे ये लोग। तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे आपसे कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।